बात करेंगे राजस्थान की। इन दिनों राजस्थान पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दरअसल 25 नवंबर को मरुधरा में मतदान किया जाएगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। और इसी के साथ साफ हो जाएगा कि राजस्थान के इस रण में किसका प्रण पूरा हुआ है। लोगों का प्यार और समर्थन किस पार्टी के पक्ष में गया। इन दिनों बड़े बड़े नेता राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं और जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। न्यूज इंडिया की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान भी राजस्थान पहुंची और वहां के लोगों से बात की। ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस वक्त मैं राजस्थान में मौजूद हूं और राजस्थान में चुनाव को लेकर के क्या कुछ चल रहा है उसके मिजाज को जानने के लिए मैं राजस्थान आ पहुंची हूं। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं तमाम पोस्टर्स, बैनर्स, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े झंडे। एक तरफ ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है, आप देख सकते हैं सिकंदरा में, ये पूरा इलाका सिकंदरा का है, सिकंदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिकंदरा विधानसभा। यहाँ बीजेपी का कार्यालय, जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है और यहाँ ममता भूपेश बैरवा का की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, साथ में अशोक गहलोत, सचिन पायलट की फ़ोटो लगी हुई है। ममता भूपेश यहाँ की राज्य में मंत्री हैं और अभी फ़िलहाल हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत में हमने बहुत कुछ जाना, हमने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं कि राजस्थान चुनाव में आखिर चल क्या रहा है। तो इनसे बातचीत करके एक दो सवाल जो हमारे जहन में, आपके जहन में, राजस्थान के लोगों के जहन में, वो जान लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत करते हैं यहाँ की जनता क्या सोचती है सिकंदरा की, राजस्थान की विधानसभा में क्या होने वाला है, वोट किसे होने देने वाले हैं लोग, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ चुनाव है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारे साथ तमाम लोग हैं एक एक करके, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सैनी है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, युवा मोर्चा राजस्थान। युवा मोर्चा राजस्थान से, युवाओं में रोष है, खुशी है, क्या है? युवाओं में खुशी है और भारतीय जनता पार्टी दौसा जिले में पांचों के पांचों सीटें जीतेगी और यहाँ सिकराय विधानसभा में ममता भूपेश ने, जो कांग्रेस प्रत्याशी है, 5 साल में भ्रष्टाचार, लूटपाट, यहाँ युवाओं में इनके प्रति विरोध है और युवा एक मत होता होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, ये युवा विंग के यहाँ पर नेता हैं, उनका कहना है। लेकिन अभी जब मैं इनसे बात कर रही थी, आपका नाम क्या है? मैं श्रवण सिंह, सरपंच। श्रवण सिंह जी हैं, श्रवण सिंह जी यहाँ के सरपंच हैं। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो पूरा विधानसभा चुनाव हो बेसिकली मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, ये जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार वर्सेस अशोक गहलोत है। तो ये जो आपने कहा कि ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं है, ये भ्रष्टाचार वर्सेस अशोक गहलोत है, ये क्यों कहा? क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर पीपल कितने लेक हुए हैं, जो बच्चों के यानी भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, तो ये भ्रष्टाचार ही तो है और क्या है। दूसरा, यानी किसी भी ट्रांसफर होता है, किसी भी प्रकार की बात होती है, तो बिगड़ पैसे यहाँ काम नहीं होता है। दूसरा, किसी को आज तक जो मंत्री होते हैं, MLA होते हैं, कोई को मान सम्मान नहीं देते हैं, वोट लेके और वो गमंडी हो जाते हैं और वो एक तरीके के जनप्रतिनिधि नहीं होके, और एक जिस प्रकार पहले राजाओं का राज था, राजा। लेकिन आम लोगों को इन सब से क्या मतलब है? आम लोगों को तो फूड पैकेट चाहिए, आम लोगों को इन सब चीज़ों से क्या मतलब, वो फूड पैकेट पे क्यों ना वोट दें? जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब फूड पैकेट्स दे रहे हैं लोगों को महीने का, उस पर क्यों ना वोट देंगे वो? उनको इन सब बातों से क्या मतलब? नहीं, फूड पैक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फूड पैक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फूड पैक तो मान लो एक महीने में एक बार आता है, उससे घर भी तो चलता है। नहीं तो घर कहाँ चलेगा, एक महीने में कितना सा आ रहा है जो से घर नहीं चल पाएगा। अरे अभी एक महीने से शुरू हुआ, बीच का तो डांट भी दिया, इसे एक महीने का तो रोक भी दिया। क्या क्या है फूड पैकेट? पेवर मिट्टी है, 5 चीज़ है उसमें, एक तेल है जो मिक्स है उसमें, और जितना भी धनिया वगैरह है उसमें, आप चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, पेवर मिट्टी और कुछ भी नहीं। इतना व्यापक भ्रष्टाचार कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं। और RPSC में देख लो कितना बड़ा घोटाला, लास्ट में भी RPSC में जो सदस्य नियुक्त किया। फूड पैकेट की क्या क्या है? फूड क्या क्या मिलता है? धनिया है, मिर्ची है, तेल है, और कुछ नहीं है। धनिया, मिर्ची, तेल और चावल, नमक, नमक, आटा आटा नहीं है। बिजली कितना यूनिट फ्री है?
बिजली जो फ्री की थी उससे 7 गुनी तो महंगाई बढ़ा दी उसकी। हाँ, उसका चार्ज बढ़ा।